हाय फ्रेंड्स, यू आर वीर नॉट टुडेज वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला बूस्टेड पोकेमोन के बेनिफिट बताने वाला हूँ मैं आपको। कई लोगों को पता नहीं है कि वेदर बूस्टेड पोकेमोन से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं और वेदर बूस्टेड पोकेमोन आखिर होते क्या हैं। आज हम इसी बारे में जानेंगे, वेदर बूस्टेड पोकेमोन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो बूस्टेड पोकेमोन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। देखिए यहाँ वेदर का ऑप्शन दिखेगा आपको पोकेमोन गो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। देखिए यहाँ पे आपको क्या लगता है वेदर किस लिए दे रखा है? आपको लगता होगा हमें ये दिखाने के लिए रखा है कि वेदर क्या है अभी, पर इस वेदर से हमें कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहला बेनिफिट ये है कि देख लीजिए आपको यहाँ पे नॉर्मल और रॉक टाइप पोकेमोन है, मतलब ये पोकेमोन ज़्यादा स्पॉन होंगे। ऐसे अलग अलग वेदर होते हैं, उनमें अलग अलग पोकेमोन के टाइप्स जो होते हैं उसी हिसाब से पोकेमोन ज़्यादा स्पॉन होंगे। और आपको एक और बेनिफिट होता है बूस्टेड पोकेमोन से कि आपको बूस्टेड पोकेमोन से कैच करते हैं आप अगर बूस्टेड पोकेमोन को, तो आपको ज़्यादा स्टारडस्ट मिलता है। जैसे यहाँ पे एक चैंसी है, मैं इसको कैच करके आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए हमको 25 स्टारडस्ट ज़्यादा मिली है वेदर की वजह से। कुछ खास ज़्यादा स्टारडस्ट नहीं है, फिर भी ये स्टारडस्ट हमें ज़्यादा मिल रही है, तो हमारे लिए बेनिफिट ही है ये। और आपको एक और बेनिफिट बताता हूँ कि आप बाहर से ही देख सकते हैं कि वो पोकेमोन बूस्टेड है या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं बिडूफ के आसपास एक वाइट सी रिंग है, मतलब ये पोकेमोन बूस्टेड है। ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा पोकेमोन बूस्टेड है। और आप अपना 10,000 स्टारडस्ट भी सेव कर सकते हैं बूस्टेड पोकेमोन से, जैसा मैंने आपको अपने थंबनेल में बताया था। ये आप कैसे कर सकते हैं ये मैं भी आपको बताता हूँ। ये मैंने शेडो लुगिया के हिसाब से आपको बताया, क्योंकि शेडो लुगिया अगर आप नॉन बूस्टेड कैच करते हैं तो आपको वो 800 सीपी में देखने को मिल जाती है, नहीं तो वो आपको 1,300 सीपी में देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी शेडो लुगिया। देखिए ये रही मेरी लुगिया, मैंने इस नॉन बूस्टेड कैच किया था और आप इसकी सीपी देख सकते हैं। और देखिए अगर मैं इसे पावर अप करूँगा 1,300 सीपी के आसपास तक, तो देखिए 11,405 स्टारडस्ट। अगर मैं इसे बूस्टेड कैच करता तो मुझे इतनी सीपी मिलती कुछ 1,300, और मेरा 10,000 स्टारडस्ट सेव भी होता। ये बूस्टेड पोकेमोन का बेनिफिट है कि आपको बूस्टेड पोकेमोन की सीपी भी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जिससे आपका 10,000 स्टारडस्ट सेव होता है। वैसे मैंने आपको लुगिया के हिसाब से बताया है कि लुगिया बूस्टेड में कितनी मिलती है और नॉर्मल में कितनी। यही थे कुछ बूस्टेड पोकेमोन के बेनिफिट जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे अगली बार इस जगह इस चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।